सावन के सोमवार में नाग पंचमी का उत्सव। नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा। नाग पंचमी पर क्या करें क्या नहीं, किन की सात पीढ़ियों को लगता है सर्प दोष, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जी हाँ, इसी तिथि पर हम लोग नाग पंचमी का उत्सव मनाते हैं। अब देखिए ना, नाग देवता की पूजा हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। और इस बात को देखिए, नाग पंचमी आपकी 21 अगस्त को यानी कि सावन के सोमवार को पड़ रही है। और ऐसे में आज हम मयंक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन देखिए काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए लोग नाग पंचमी के दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसी दिन नाग देवता की पूजा आराधना करके काल सर्प दोष से भी मुक्ति पाई जाती है। लेकिन नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो आज हम जानेंगे ही जानेंगे। इसके साथ ही साथ इस दिन खास तौर पे वो कौन से कार्य होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा काल सर्प दोष सात पीढ़ियों तक को झेलना पड़ जाता है। तो आइए मयंक जी से जानते हैं, सबसे पहले हम नाग पंचमी के बारे में बताइए। देखिए कविता जी, नाग पंचमी के बारे में कहा गया है कि इस दिन अगर हम नाग देवता की पूजा करते हैं और उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब जैसे ज्योतिष में ये कहा गया है, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा शनि के साथ है जी। या गुरु राहु के साथ चांडाल दोष बनाकर बैठे, या राहु शनि की युति हो और उस पे साथ साथ चंद्रमा की दृष्टि हो जाए किसी भी तरीके से, तो ये अशुभ मानी जाती है। और आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है और ये दोनों ग्रह नीच के हैं, तो आप नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य करें, कुछ ऐसा दान करें जिससे कि विशेष लाभ मिलेगा जी। और साथ ही साथ ये है कि नाग पंचमी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इस दिन पूजा करी जाए, पूजा अर्चना करी जाए, तो हमें काफ़ी लाभ मिलता है। अब जैसे ये भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं गाँव में देहात में जहाँ पर सांप काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सर्प दोष होता है, यानी कि राहु जो है वो पीड़ित होता है, जिसके चलते उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है। तो इनके लिए नागों की पूजा करानी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए जिससे कि उस आत्मा को शांति मिले और उसको किसी भी तरह का कोई भय ना रहे और उसको जल्द से जल्द पूर्ण जन्म उसका मिले। तो नाग देवता की पूजा करने से सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है या सर्प का भय नहीं रहता। जिन लोगों की कुंडली में समस्त ग्रह राहु केतु के मध्य आते हैं या राहु शुक्र राहु शनि राहु गुरु की युति होती है, उन लोगों को डरावने सपने भी आते हैं या सर्प उनको सपने में आके काटते हैं या वो अपने आप को सर्प से घिरे हुए देखते हैं, तो नाग देवता की पूजा करने से उस तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है जी। अब ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग का कहना चाहिए नाग पंचमी के दिन पूजने का वरदान दिया था कि इस दिन जो जो आपकी पूजा करेगा तो आपको कष्टों से उसको मुक्ति मिलेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नाग पंचमी वाले दिन जो है आपको, क्योंकि सोमवार के दिन इस बार पड़ रही है, तो भगवान शिव की पूजा करें और नाग की पूजा करें तो विशेष लाभ मिलेगा और कई तरह के कष्टों से आप बच सकते हैं। महंगे देखिए, अमूमन देखा जाता है कि नाग पंचमी के दिन खासकर लोग सर्प को दूध पिलाते हैं और कई बार देखा भी है, कई वीडियोस भी आए हैं और शिवालय में तो कई बार अचानक से सांप भी देखे गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द सांप नहीं, आप किसी सांप को अगर नहीं, क्योंकि इंसान थोड़ा सा डरता भी है क्योंकि सांप है तो जानवर के रूप में थोड़ा सा खतरनाक भी साबित हो सकता है। हालांकि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नाग पंचमी के दिन खासकर किस प्रकार से आप नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, इस दिन आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव को शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध और शहद चढ़ाएंगे तो भी आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और इस बार तो सोमवार के दिन ही नाग पंचमी है जी। तो विशेषकर पूजा करने से, आपको भगवान शिव की पूजा करने से समस्त तरह की परेशानियों से, कष्टों से, अकाल भय से, किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको हो, घबराहट होती है, तो उससे बड़ी राहत मिल जाएगी। यानी कि शिवालय में जाकर महादेव की पूजा अर्चना ही आपको नाग देवता को पूजा
पूजा समर्पित होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखिए, ये कहा गया है ब्रह्म पुराण में, नाग को देवता के समान माना गया है, इसलिए ये कहा है कि अगर कहीं आपको कोई नाग दिख भी जाए तो उसको दूर भगाने का प्रयास करें, उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि अगर मार देते हैं तो वो सर्प दोष लगता है और आपको आने वाले कई जन्मों तक उसका कष्ट या उसकी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन तो कभी भी किसी भी सर्प को जो है, किसी भी नाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मंजी, अमूमन ये भी होता है कि नाग में कई ऐसी लुप्त प्रजातियां होती हैं जिनका लोग कारोबार भी करते हैं और उन्हें मारने का भी कार्य करते हैं, तो शायद ये भी चीज़ें भी उस दिन नहीं करना बिल्कुल चाहिए। इस तरह की चीज़ें से बिल्कुल बचना चाहिए, अन्यथा तो आपको और आपकी परिवार में पीढ़ियों को काफ़ी कष्ट रहता है। जी चलिए, और क्या क्या नहीं करना। देखिए, इस दिन क्या करना चाहिए, ज़मीन में किसी भी तरह की खुदाई ना करें, अपने घर पे किसी कार्य की शुरुआत ना करें। और कहना चाहिए बहुत से लोग जो उस दिन ज़मीन खुदवाएंगे या मिट्टी ज़मीन से निकालें, कहते हैं वहाँ पर सर्प के बिल होते हैं छोटे छोटे, या छोटे सर्प पाए जाते हैं, तो उनको कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो उससे बचने के लिए इस दिन ज़मीन खोदने से भी बचना चाहिए। हाँ, घर की नींव रखने से बचना चाहिए, अन्यथा तो परेशानी रहती है हमारे, कहीं ना कहीं वंश वृद्धि में हमारे बाधा रहती है और हमारे ऊपर अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। और इस दिन पूजा करते समय भी कुछ ये गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इस दिन आप ये दिन ध्यान रखना चाहिए, इस दिन जीवित सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा। और सांप के लिए, क्योंकि दूध जो है वो जहर के समान होता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सिर्फ जो उनकी प्रतिमा आजकल होती है मंदिर में उनको ही दूध पिलाने का प्रचलन है, उन्हीं को दूध पिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें पूजा करते समय, बहुत से लोग जाने अनजाने में ये गलती कर देंगे, सांपों को ही दूध पिलाते हैं, तो कई बार ये देखा भी है, तो ये शायद नहीं करना चाहिए इस दौरान। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नुकीली वस्तु से कोई काम ना करें, जैसे सुई धागे का इस्तेमाल ना करें, धारदार वस्तुएं, चाकू सुई इस तरह का इस्तेमाल ना करें, उस तरह से कहीं ज़मीन पर दीवार पर खुदाई ना करें, या किसी प्रतिमा से के साथ किसी भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। और इस दिन ये भी कहा है कि नाग पंचमी के दिन जो है तवा इत्यादि या कढ़ाई में खाना नहीं पकाना चाहिए, उसके मान्यता कुछ ऐसी है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि मान्यता के अनुसार रोटी बनाने के लिए लोहे का तवे का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है नाग का फन कहलाया जाता है। तो इसलिए इस दिन आप अपने घर पे तवे का इस्तेमाल ना करें, कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, तो ये थोड़ा बेहतर रहता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कहना चाहिए शास्त्रों में लिखा गया है कि नाग पंचमी के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें किसी बड़े परेशानी से, बड़े कष्टों से बचा जा सकता है। तो इसी के साथ मुझे और मंजी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।